आजि हेउछि 6 एप्रिल 2024 इतिहास पृष्ठा थिबा प्रत्येकटि कहानी आम पई चिरस्मरणीय तबे चलंतु आडैबा आजिर इतिहास पृष्ठक देखिबा आजिर इतिहास प्रतिवर्ष आजिर दिनकु विकास एवं शांति पई अंतर्जातीय क्रीडा दिवस भाबरी पालन करा जाय मिलित जातिसंघर साधारण सभा द्वारा एही दिन पालन पई घोषणा करा जायथिला विकास एवं शांति को दृष्टि रखी आजिर दिन प्रतिष्ठा करा जायथिला आज दिन मुख्य उद्देश्य हेउछि सामाजिक परिवर्तन सहित विभिन्न संस्कृति रे शांति एवं बुझामणा वृद्धि करबा 1968 एप्रिल 6 तारीख रे 1958 रो सर्वोत्तम चलचित्र को सम्मानित करबा पई 31तम एकेडमी पुरस्कार वितरण उत्सव अनुष्ठित होइतिला एही समारोह रे अभिनेता मानंक एक संगीत कार्यक्रम मध्य आयोजित होइतिला सेही अवसर रे डेविड निवेन को श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार रे सम्मानित करा जायथिला 1896 एप्रिल 6 तारीख में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीसर एथेन्स आरंभ होता यह एप्रिल 15 तारीख पर्यंत चली ओलंपिक खेल प्राय 12 देश 280 जन आथलेट जोग दे 1931 एप्रिल 6 तारीख में जन्मग्रहण करते सुचित्रा सेन से जड़े भारतीय अभिनेत्री जी बंगाली और हिंदी सिनेमारे काम करुले से प्रथम भारतीय अभिनेत्री जिकि एक अंतर्जातीय चलचित्र महोत्सव पुरस्कार ग्रहण करते 1963 मसीह मस्को अंतर्जातीय चलचित्र महोत्सव से साठ पाक वृंदापाई श्रेष्ठ अभिनेत्री भाव सिल्वर पुरस्कार 1972 मसीह भारत चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान 1983 एप्रिल 6 तारीख में मृत्युवरण करते जनरल जयंतनाथ चौधरी से जड़े भारतीय सेना जनरल अफिसर थे से 1962 रु 1966 पर्यंत सेना कर्मचारी एवं 1948 रु 1949 पर्यंत हैदराबाद राज्यर सामरिक राज्यपाल भाबरी कार्य करथिले भारतीय सेनारु अवसर नेबा परे से 1966 जुलाई रु 1969 अगस्त पर्यंत कानाडा रे भारतीय सेनारु अवसर नेबा परे से 1966 जुलाई रु 1969 अगस्त पर्यंत कानाडा रे भारतीय हाई कमिश्नर भाबरी कार्य करथिले से सामरिक प्रसंगरे दुईटी पुस्तक लिखिथिले 1979 से आत्मजीवनी लिखिता प्रथम भारतीय सेना मुख्य थे से पाश्चात्य संगीत को भल पाते से पाश्चात्य संगीत को प्रोत्साहित कर दिल्ली सिंफोनी सोसाइटी रो प्रतिष्ठाता तथा प्रथम सभापति थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर ओडिशा।